इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा टैबलेट्स के बारे में जिसका नाम है टेडासिप 20। सिप्ला फार्मा की प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में एक फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाता है। टेडासिप के अंदर जो एक्टिव ड्रग है उसका नाम है टेडालाफिल। टैबलेट्स 20 मिलीग्राम में आती हैं। देखिए 20 एक हाई डोज है इसकी, इसकी कम डोजेज भी हैं मार्केट में, 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, फिर आती है 20 मिलीग्राम और फिर 25 मिलीग्राम। स्पेसिफिकली ये मेडिसिन जो है मर्दों के लिए बनाई गई है, खवातीन इसका इस्तेमाल नहीं करती, छोटे बच्चों के लिए ये मेडिसिन नहीं है, सिर्फ मर्द इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली वो मर्द जिन जो शादीशुदा हैं। शादीशुदा मर्द अगर अपनी लाइफ में एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ गुजारना चाहते हैं, वो एक अच्छी सेक्सुअल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजमी होता है कि जो मर्दों का सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी एक बेहतरीन इरेक्शन रहे। तो एक अच्छी इरेक्शन होगी तो एक अच्छा सेक्सुअली परफॉर्म कर सकेंगे और सेक्सुअली हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मर्दों में जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसका सादा सा मतलब है कि मर्दों की जब इरेक्शंस नहीं आती तो उसको डिसफंक्शन कहेंगे, कि वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना भी होता है, सेक्सुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टैबलेट ली जाती है टेडासिप की। टेडासिप क्या करता है कि ये आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, तो जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से अच्छी इरेक्शन आएंगी और आप सेक्सुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, अब ये मेडिसिन कब लेनी है आपने? सेक्स करने से आधा घंटा पहले ले लो या 1 घंटा 2 घंटे पहले ले लो तो बड़ा अच्छा सेक्सुअल परफॉर्मेंस आएगी। डोज कितनी होनी चाहिए? देखें, ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी 5 मिलीग्राम पे भी अच्छी परफॉर्मेंस आती है तब भी अच्छा है, 10 मिलीग्राम पे आ जाए, 20 मिलीग्राम पे आ जाए। बस इतना याद रखें कि एक ही टेबलेट दिन में लेनी है, 2 टेबलेट्स कभी इस्तेमाल नहीं करनी और इसके अलावा कभी भी इस मेडिसिन को किसी दूसरी मेडिसिन के साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना, एक ही टेबलेट लेंगे, अकेला लेंगे। एक और बात, अक्सर आपको हेडेक हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो वार्निंग के तौर पे याद रखें कि अगर किसी इंसान को पहले से ही दिल का कोई मर्ज है, पहले से ही वो हार्ट की प्रॉब्लम में मुबतिला है, कभी उसको हार्ट अटैक हुआ था या उसका ब्लड प्रेशर रहता है या उसकी दिल की धड़कन ठीक नहीं रहती, तो फिर वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।